हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी नीटिंग क्लासेस। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ये कैप लेकर आई हूँ आपके सामने। ये बच्ची की कैप है, छोटे बच्चे की, न्यू बॉर्न को। आप मतलब 0 से लेके 6 महीने तक ये बहुत अच्छे से आएगी, क्योंकि ये इतनी सॉफ्ट वूल है ना। इतना देखिए इसमें कितना अच्छा स्ट्रेचबिलिटी है, बहुत सॉफ्ट है। और यहाँ पे देखिए मैंने ये छोटी सी पट्टी बना दी है। यहाँ पे मैंने कुछ डोरी नहीं बनाई है यहाँ पे बांधने के लिए, क्योंकि बांधने थोड़ा सा बच्चे को इरिटेट करता है ये जो डोरी वगैरह होती है। तो मैंने यहाँ पे देखिए काज बना के एक पट्टी बना दी है। यहाँ पे आप एक बटन लगा लीजिएगा और इस तरह से इसको इसमें अपने बच्चे के अकॉर्डिंग टाई कर दीजिएगा, बटन को लगा दीजिएगा। आप कहीं भी जितना टाइट करना हो यहाँ लगा लीजिएगा, या यहाँ जहाँ भी लगाना हो आपको। तो देखिए आगे वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि इसको किस तरह से बनाना है। वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय से सबसे पहले मिल जाए। और इसमें जो वूल है, मैंने ये वूल यूज की है, 4-ply वूल है, नॉर्मल वूल है, 10 नंबर की मैंने इसमें सलाइयाँ यूज की हैं। तो चलिए फिर इसको देख लेते हैं कि किस तरह से बनाना है। और देखिए इसमें सबसे स्पेशल ये है कि वैसे तो ये बेसिक कैप है, नॉर्मल है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये देखिए डिज़ाइन डाला है केबल का। अब ये लेकिन बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मैंने ये ईयर फ्लैप के साथ बनाई है। ये जो कान है ना बच्चे के, ये जो एरिया है वो ढका रहेगा, ठीक है। ये ईयर फ्लैप के साथ बनाई है, थोड़ा सा डिफरेंट लुक है इसका। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसको किस तरह से बनाना है। यहाँ पे इस कैप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 72 फंदे लिए हैं, 72 स्टिचेस, ठीक है। वूल देखिए ये नॉर्मल वूल है, वर्धमान की वूल है, और 4-ply वूल है, और 10 नंबर का मैं यहाँ पे निडल यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया, 72 फंदे डाल के यहाँ पे जस्ट 4 लाइंस, सॉरी हाँ 3-4 लाइंस मैंने यहाँ पे सीधे सीधे की बना ली हैं, ठीक है। इस तरफ से भी सीधा और इस तरफ से भी सीधा, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो इतना बनाने के बाद अब हम यहाँ पे फंदों को करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड देखिए किस तरह से करेंगे, 3 पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले एक फंदा देखिए स्लिप करूँगी, 8 फंदे में सीधे बुनूंगी इसे मिला के। देखिए 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 फंदे सीधे बुनने के बाद मैं यहाँ पे एक मार्कर लगा दूंगी, ये देखिए मार्कर लगा दूंगी मैं यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे 18 फंदे सीधे बुनूंगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 18, ठीक है। अब देखिए काउंट कर लूंगी, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अब एक मार्कर में यहां भी लगा दूंगी, देखिए अब हम यहीं से बैक हो जाएंगे, ये वाले फंदे मैं नहीं बनाऊंगी, यहीं से बैक हो जाऊंगी, ठीक है। जहां मैंने मार्कर लगाया बस वहीं से बैक होके अब मैं यहां पे एक फंदा स्लिप करूंगी और इन 18 फंदों को सीधा बनाऊंगी। मार्कर तक सीधा बना लूंगी मैं। अब ये देखिए यहां पे लास्ट में आ गई मैं। अब यहां पे मार्कर, ये देखिए यहां पे ये जो मार्कर लगा है, इससे पहले और इधर मार्कर से पहले हमें दोनों तरफ से एक एक फंदा छोड़ते हुए जाना है। अब मैं ये फंदा नहीं बनाऊंगी, ठीक है। अब मैं यहीं से वापस घूम जाऊंगी, ठीक है। अब यहां पे मैं एक फंदा उतारूंगी, उसके बाद 17 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अब ये देखिए 17। अब मैंने यहाँ 17 फंदे बनाए और एक फंदा यहाँ पे मैंने ये नहीं बनाया, ठीक है।
अब मैं यहीं से फिर से टर्न हो जाऊंगी, अब मैं 16 फंदे बनाऊंगी और एक फंदा लास्ट वाला नहीं बुनूंगी। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये देखिए, एक पहले छोड़ा था, अब एक फिर से छोड़ेंगे, यहीं से फिर से टर्न हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे 15 फंदे बनाऊंगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन और ये 14। देखिए दो फंदे अब हमने इधर से छोड़ दिए और ये 15। हाँ अब देखिए फिर से दो यहाँ छोड़े थे, अब हम तीन छोड़ेंगे यहाँ पे। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, देखिए 13 हो गए। अब बैक हो जाएंगे, अब यहाँ से हम 12 फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये 12। अब हम 11 बनाएंगे इस साइड से, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, देखिए 11। अब देखिए चार फंदे रह गए हमारे इस तरफ, और ऐसा हम तब तक करेंगे, अब हम यहाँ पे 10 फंदे बनाएंगे, ठीक है। ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक हमारे यहाँ लास्ट में दो फंदे ना रह जाएं बनाने के लिए, ठीक है। अब हम 10 फंदे बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, अब 9 बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब पलट लेंगे, अब हम 8 फंदे बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, पलट लेंगे, अब हम 7 फंदे बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, पलट लेंगे, अब हम 6 फंदे बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अगेन पलट लेंगे, अब हम 5 फंदे बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। अब हम 4 बनाएंगे, वन टू
फोर। अब हम तीन बनाएंगे, वन टू थ्री, पलट लेंगे। अब हम दो बनाएंगे, वन टू, ठीक है। इसके बाद देखिए, हमने ये दो फंदे बनाए, इसके बाद बाकी के ये जो फंदे हैं ये भी हम इसके साथ बना लेंगे। देखिए, वन टू थ्री फोर, ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे एक ईयर फ्लैप बन के आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ से 22 फंदे बनाएंगे, इसको हटाएंगे या इसको हम इस साइड ले लेंगे, 20 फंदे बनाएंगे। देखिए, वन टू सीधे सीधे बनाएंगे, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, ठीक है। ये हमने 20 फंदे बना लिए। इसके बाद यहाँ पे ये जो हमने 18 फंदे लिए और यहाँ जो 8 फंदे लिए, सेम हम जैसा हमने यहाँ बनाया है वैसा ही यहाँ बनाएंगे। इस जगह हम 8 फंदों पे मार्कर लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए, 8 फंदे काउंट करके, दो चार छः आठ, यहाँ पे मैं ये मार्कर लगा दूंगी। अब हमारे पास ये 18 फंदे हैं यहाँ पे, दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह और 18, ठीक है। अब ये वाला मार्कर हटा के मैं इसको यहाँ पे लगा लेती हूँ। तो देखिए, ये मार्कर मैंने यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ 18 फंदों पे बुनाई की है, सेम हम यहाँ करेंगे, एक एक फंदा दोनों तरफ से छोड़ते हुए बुनेंगे। तो पहले तो हम इन 18 फंदों को बुन लेते हैं। देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन, देखिए एटीन। अब यहीं से हम टर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से हम 17 फंदे बनाएंगे। देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन। अब ये वाला फंदा मैं छोड़ दूंगी। अब मैं यहाँ से 16 फंदे बनाऊंगी, ठीक है। ऐसा मैं तब तक करूंगी जब तक कि यहाँ पे मेरे पास दो फंदे ना रह जाएं। देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन
एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन। ठीक है, एक ये छोड़ दिया मैंने, अब फिर से यहाँ से पलट जाऊंगी और मैं अब 15 फंदे बनाऊंगी। तो इसी तरह से सेम मैं तब तक बनाऊंगी जब तक यहाँ दो ना रह जाए। अभी देखिए लास्ट में आ गई, अब मेरे पास दो रह गई, वन टू। ठीक है, ये अब देखिए इस तरह से आया है बनके। अब मैं ये सारे फंदे भी इसी पर ले लूंगी। अब मार्कर का यूज़ नहीं है तो मार्कर को हम हटा देंगे। अब इन फंदों को भी मैं इसी में ले लूँगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब देखिए ये सारे फंदे हमारे एक सिलाई पे आ गए और ये देखिए इस तरह से आया है ये यहाँ पे हमारे पास ईयर फ्लैप बन के। अब सभी फंदों को यहाँ से यहाँ तक मैं सीधा बुनूंगी, फिर सीधी तरफ से सीधा बुनूंगी। तो इससे करीबन मैं अभी 4 सिलाइयाँ और बना लूँगी। वन, सभी फंदों को एक साथ बना लूँगी मैं पूरी सिलाई, सभी फंदों को मैं सीधा सीधा बना के कंप्लीट करूंगी। सभी फंदों को हम इस तरह से बना लेंगे। अब ये देखिए, अब हम फिर से फ्रंट साइड आ गए। तो इसी तरह से जस्ट ये देखिए दो धारियां बनी हैं ये, तो जस्ट 4 सिलाइयां मैं और बना लूंगी ऐसे ही, सीधी तरफ से फिर उल्टी तरफ से फिर सीधी तरफ से फिर उल्टी तरफ से। उसके बाद फिर मैं आगे का बताती हूँ। यहाँ पे मैंने ये गार्टर स्टिच में जो बनाया है दोनों तरफ से सीधा सीधा, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे देखिए वन टू थ्री फोर और ये फाइव, 5 लाइंस यानी कि 10 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे बना के कंप्लीट कर ली हैं दोनों तरफ से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आगे थोड़ा पैटर्न चेंज करूँगी। मैं यहाँ पे सिंगल कलर से ही बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको डबल कलर से बना सकते हैं, यहाँ पे दूसरा कलर लगा सकते हैं आप चाहें तो। अब देखिए करूँगी क्या, मैं यहाँ पर इस तरह से सिंपल बनाऊँगी सीधा सीधा। ये देखिए कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं, एक सीधा एक उल्टा बना सकते हैं, सादा बना सकते हैं सीधा सीधा, तो आप कैसे भी इसको बना सकते हैं। मैं बीच में थोड़ा सा इसमें डिजाइन डालूंगी 8 फंदों का। तो पहले इसके सेंटर तक मैं आती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं जस्ट सेंटर पे आ गई हूँ, यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे बीच के 8 फंदे जो हैं मैं यहाँ पे देखिए, मेरे पास 32 इधर है 32 इधर है, ठीक है ना। तो 32 फंदे मेरे पास इस साइड है 32 इस साइड है, बीच के जो 8 फंदे हैं इस पे मैं डिज़ाइन डालूंगी। देखिएगा किस तरह से डालते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 फंदों को, इसमें से पहला फंदा मैं इस तरह से पहले वाला बनाऊंगी, फिर ये वाला बनाऊंगी, इसे उतार दूँ। अब देखिए यहाँ पे पहले मैं बैक साइड से ये बनाऊंगी, फिर मैं ये वाला बनाऊंगी। ठीक है, सेम जैसे हमने ये 4 बनाए वही करेंगे, सेम स्टेप रिपीट करेंगे। पहले ये वाला,
उसके बाद ये वाला, फिर ये बैक साइड से, ये देखिए इस तरह से, इसका बाद फिर पहला वाला। अब पूरी रो को, सभी फंदों को मैं सीधा बुन लूंगी और उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई को हम सीधा ही बनाएंगे। सॉरी, सीधा नहीं, उल्टी साइड से हम पूरा उल्टा बनाएंगे। इस तरफ सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बनाएंगे। देखिए ये रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब मैं फिर से रॉन्ग साइड आ गई हूँ, तो रॉन्ग साइड से अब हम उल्टा बनाएंगे। पहले हम गार्टर स्टिच में बना रहे थे, अब हम गार्टर स्टिच में नहीं बनाएंगे। पूरी रो को हम उल्टा ही बनाएंगे, डिज़ाइन सिर्फ हम फ्रंट साइड पे डालेंगे। ये जो डिज़ाइन है, जस्ट 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है। वैसे मैंने मेरे चैनल पे बताया हुआ है, यहाँ पे जो ये पैटर्न पड़ेगा जस्ट 4 सिलाइयों का है। अब देखिए जहाँ तक पैटर्न है वहाँ तक मैं सीधा बनाते हुए आऊँगी, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ इस डिज़ाइन में। फिर वैसा ही आपको रिपीट करते हुए जाना है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने 32 फंदे ले लिए। अब यहाँ पे मैं डिज़ाइन पे आ गई हूँ। तो पहले हमने क्या किया था, चार, ये जो फंदा था पहले वाला, ये बाद वाला, ये हमने पहले बुना था। अब हम क्या करेंगे, इस फंदे को हम पहले बैक साइड से बुनेंगे। हम फ्रंट से ना बुन के बैक साइड से बुनेंगे, इस तरह से। देखिए इस तरह से एक बार फिर से देखिए इसको, इस तरह से बुन के फिर ये फर्स्ट वाला फंदा हम बुनेंगे, जस्ट अपोजिट करेंगे। अब इसको हमने पहले बैक साइड से बुना था, तो इसको हम फ्रंट साइड से बुनेंगे। और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट वाला सेम यहाँ करेंगे कि इसको हम बैक साइड से बुनेंगे, क्योंकि ये हमने पहले फ्रंट साइड से बुना था, और इसको हम बाद में बुनेंगे। अब ये हमने बैक साइड से बुना था पहले, तो इसको हम पहले फ्रंट, अब की बार फ्रंट साइड से बुनेंगे, क्योंकि पहले हमने जो केबल बनाई थी उसको हमने बंद किया था, खोला था, अब हम उस केबल को बंद कर रहे हैं। बस यही 4 सिलाइयाँ हमें इस पैटर्न में रिपीट करते हुए जाना है। उसके बाद ये सादा बना लेंगे, और इसके बाद की जो लाइन है वो हम पूरी उल्टी बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हम सीधी लाइन आएगी उसे हम पहले उस सेम उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे इस पैटर्न की फर्स्ट लाइन बनाई थी। तो पहले मैं इसको अपनी डिज़ायर लेंथ के अकॉर्डिंग बना के तैयार कंप्लीट कर लेती हूँ, करीबन 5 से 6 इंच के बीच। उसके बाद फिर आगे बताती हूँ आपको। अब ये देखिएगा मैंने यहाँ पे इसको बना के कंप्लीट कर लिया है, जितना मुझे इसका लेंथ चाहिए था, ठीक है। अब मैं आपको इसको इंची टेप से मेजर करके बता देती हूँ कि मैंने इसको कितना लंबा बनाया है। यहाँ देखिए सेंटर से रखूँगी मैं इसको, यहाँ तक देखेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे इसको 5.5 इंच बनाया है, ठीक है। और आप 6 इंच बना सकते हैं और 5 इंच भी बना सकते हैं, ठीक है। बच्चे के सिर के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ बच्चे दुबले होते हैं न्यू बॉर्न में, तो आप 5 इंच बना सकते हैं। मीडियम साइज में 5.5 इंच मैंने बनाया है, क्योंकि अभी आधा इंच या 1 इंच और ये बढ़ जाएगा आगे। तो अब देखिए करना क्या है हमें, तो अब देखिएगा यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि अगर आप इसको दूसरे कलर से बना रहे हैं तो इसमें कलर चेंज कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने ये दूसरे कलर से बनाया, तो इसमें मैंने यहाँ पे ये कलर चेंज किया है, ये वाला पार्ट बना रहे हैं, ये डिक्रीजिंग वाला, ये देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इस सेम कलर से बना रही हूँ, तो मैं इसी से बनाऊंगी। तो देखिए एक फंदा मैं यहाँ पर स्लिप करके 2 फंदों का एक फंदा बनाऊंगी पूरी रो, ठीक है। 2 फंदों का एक फंदा करूंगी पूरी लाइन इस तरह से। एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये देखिए इस तरह से पूरी लाइन में 2 फंदों का एक फंदा करूंगी।
देखिए इस तरह से लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। अब रॉन्ग साइड आ जाएंगे। अब तक हम रॉन्ग साइड से पूरी रो उल्टी बना रहे थे, लेकिन अब हम यह गार्टर स्टिच में बनाएंगे, यानी कि पूरी रो सीधी बनाएंगे उल्टी साइड से भी। इसमें नहीं कटाएंगे हम फंदों को, बस पूरी रो ऐसे ही सीधा बना लेंगे। अभी देखिएगा मैंने यहाँ से उल्टी साइड से पूरी लाइन सीधी बना ली है। अब मैं उल्टी साइड वो सीधी साइड पे आ गई हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से एक फंदा देखिए स्लिप करूँगी और हर फंदे को धोखा एक करती जाऊँगी पिछली रो की तरह। ठीक है, हर फंदे को मैं धोखा एक करूँगी। ये देखिए इस तरह से। ये जब आपका टाइट फंदा हो जाता है ना, तो आप इस तरह से दूसरे फंदे को खींच लिया कीजिए, तो अच्छे से दो घट जाएगा यहाँ पे। ये देखिए इसी तरह से मैं पूरी लाइन बना लूंगी। ये देखिए मैंने इस लाइन को बना के कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में बिल्कुल आ गए हैं, दो का एक और लास्ट का फंदा सीधा बना के, और पीछे से मैं पूरी सिलाई सीधी बना लूँगी जैसे मैंने अभी इससे पहले वाली रॉन्ग साइड की सिलाई बनाई है। देखिए इस तरह से। अब देखिएगा सिलाई भी हमारे पास सिर्फ इतने से फंदे रह गए हैं, लेकिन एक बार हम और दो का एक करेंगे इस तरह से एक फंदा स्लिप करके। देखिए दो का एक, दो का एक, दो का एक, इसी तरह से पूरी सिलाई करेंगे। आप देखिए सीधे रॉन्ग साइड आ जाएंगे। रॉन्ग साइड से बस ये लास्ट रो है, लास्ट सिलाई है हमारी, पूरी सिलाई हम सीधा बना देंगे इसको। आप चाहे तो बस यहीं पे फंदे बंद कर सकते हैं, ये सिलाई ना बनाएं, दो का एक करके वहीं पे फंदे बंद कर दें, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिनिशिंग आ जाती है इस तरह से करते हैं। तो ये देखिए जस्ट बस इतना ही बनाऊंगी, और अब मैं सुई पे फंदे ले लूंगी, सभी फंदों को सुई पे ले लूंगी। अब ये देखिएगा इस तरह से निडिल में मैंने, ये देखिएगा इस तरह की सुई में मैंने ये धागा डाल लिया है। अब मैं इन सभी फंदों को बहुत ध्यान से इस तरह से सुई में ले लूंगी। देखिए इस साइड से लूंगी मैं, चलिए इस साइड से ले लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए इसको थोड़ा सा खींच देंगे, इसको एक बार और हम सभी फंदों को इस तरह से राउंड घुमा लेंगे। ये देखिए अब इसको उल्टा कर लेंगे, और यहां से लेके देखिए यहां से लेके इस तरह से इसकी हम सिलाई कर देंगे पूरी यहां तक। पहले मैं इनको यहां पे टाइट कर देती हूं।
अब देखिए आप अपने तरीके से सिलाई कीजिए, जिस जैसा भी आपको करना है। और ये देखिए धागा आप बड़ा काटिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ छोटा काटा था क्योंकि उसका एक रीज़न है, वो मैं भी आपको बताती हूँ। क्योंकि मुझे ना ज़्यादा यहाँ पे धागा चाहिए नहीं था, देखिए इस तरह से। क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरा ये फंदे डालते समय जो धागा बच जाता है, अब मैं इसी से सिलाई कर लूँगी। देखिए ये वाला धागा जो मेरा इतना बचा है, यहाँ से लेके आराम से यहाँ तक मेरा आ जाएगा। तो देखिए मैं इसको यहाँ से ये सिल लेती हूँ यहाँ तक, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये कैप स्टिच कर लिया है। देखिए यहाँ पे मैंने ये सिल लिया है। अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये बनने के बाद। ये देखिए सिंगल कलर में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने ये जो डिज़ाइन डाला है, ये वैसे तो मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी आप अगर कहेंगे तो मैं एक बार और शेयर कर दूंगी इसको। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा पैटर्न है ये। देखिए इसको मैंने यहाँ पे ये डबल कलर में भी बनाया है। ये देख लीजिए डिज़ाइन, जस्ट केबल डिज़ाइन है ये, बहुत छोटी सी जो केबल बनती है बस उतना ही है। ये देखिए इसको डबल कलर में बनाया है। तो यहाँ पे देखिए ये एक मेरे बच्चे का जो सर है थोड़ा सा छोटा था, पतला दुबला सा था मुझे बच्चा, तो मैंने इसको 5 इंच बनाया। यहाँ मैंने इसको 5.5 इंच बनाया है ना। तो ये वाला जो है बनने के बाद थोड़ा सा बढ़ गया है ना। देखिए मैं आपको थोड़ा सा मेजर करके बता देती हूँ। ये मेरे को 5 इंच है और ये मेरे को बढ़ने के बाद मिला है यहाँ पे, ये 3 लाइंस और निकालने के बाद 6 इंच, ठीक है। टोटल 6 इंच, 1 इंच का टोटल फर्क है। इसको 4.5 इंच बनाया था मैंने और फिर आधा इंच यहाँ पे आ गया। तो अब मैं क्या करूँगी, आप चाहें तो देखिए सिर्फ इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको सिर्फ इसी तरह से यूज़ किया। अगर आप चाहें तो इसमें ईयर फ्लैप भी लगा सकते हैं। बच्चों बच्चे क्या होते हैं छोटे, जो है कैप जो है निकाल देते हैं सिर से, तो उसमें यहाँ पे मैं थोड़ा सा ईयर फ्लैप बना, एक डोरी बना के और उसको टिच बटन लगा दूंगी। यहाँ पे मैंने नहीं लगाया था, अब मैं इसमें लगाऊंगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अभी। तो देखिए वो आप क्या करेंगे, ये जो ईयर फ्लैप बनाए हुए हैं बच्चे के कान को यहाँ पे बहुत अच्छे से वॉर्म रखते हैं, तो इसका सेंटर पार्ट निकालेंगे यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। तो सेंटर पार्ट पे एक फंदा हमारा हो जाएगा, 5 फंदों से मैं बनाऊंगी जहाँ तक है। तो एक फंदा मैं यहाँ पे, 2 फंदे मैं इस साइड उठाऊंगी, एक सेंटर में, 2 इस साइड, ठीक है। तो देखिए मैं किस तरह से उठाऊंगी। देखिए 1, जस्ट इसके बगल में 2, अब देखिए जस्ट सेंटर में 3, और 5। आप चाहे तो इसको क्रोसिया से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब जस्ट मैं इसको गार्टर स्टिच में बनाऊंगी, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा भी बना सकते हैं और सीधा सीधा भी बना सकते हैं। तो देखिए जिस तरह से मैं यहाँ से ये पट्टी उठा रही हूँ, सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी आपको उठानी है, इस वाले पे से भी उठानी है।
इन्हीं पांच फंदों को दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए हम थोड़ी सी 2 इंच के आसपास, 2 ढाई 3 इंच के आसपास पट्टी बना लेंगे एक सीधी सीधी। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये इतनी लंबी पट्टी बना ली है, ठीक है, अपने बच्चे से नाप के बनाइएगा आप। तो मैंने यहाँ सलाइयाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 20 सलाइयाँ मैंने बना ली हैं। और अगर इंचेस में आपको नाप के बताऊँ मैं, तो मैंने ये देखिए इसको पट्टी को 2.5 इंच बना लिया है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा बटन होल डाल दूंगी, देखिए इस तरह से मैं एक बनाऊंगी। 2 फंदे सीधे बुने, धागा अपनी तरफ लाऊंगी और इन 2 फंदों को 2 का 1 कर दूंगी। देखिए छोटा सा मैंने एक बटन होल डाल दिया। अब जस्ट 2 या 3 सिलाइयां मैं और बनाऊंगी, उसके बाद मैं इसे बंद कर दूंगी। देखिए इसको रॉन्ग साइड से आ गई बटन होल डाल के, मैं वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था फंदे। अब मैं इसको उल्टी उल्टी बना रही थी अब तक, लेकिन अब मैं यहाँ पे लास्ट में सीधा बना रही हूँ, क्योंकि बटन होल डालने के बाद बस 2 सिलाइयाँ और बनाऊंगी मैं यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे बंद कर दूंगी फंदों को। ये देखिए इस तरह से एक और बनाऊंगी इस साइड से। देख लेंगे यहाँ पे। चलिए एक सिलाई मैं और बना देती हूँ, तो इससे थोड़ा सा फिनिशिंग और अच्छा आ जाएगा। ये देखिए और रॉन्ग साइड से मैं फंदों को बंद कर दूंगी। अब ये देखिए इस तरह से लेंगे और इस तरह से बनाएंगे, इसके ऊपर से हम इसको निकाल देंगे। अब देखिए जैसी पट्टी मैंने यहाँ पर बनाई है, सेम वैसी पट्टी आपने दूसरी साइड भी बनानी है, बट उसमें आपने बटन होल नहीं बनाना है, ठीक है, क्योंकि बटन होल हम इसमें बना चुके हैं, उस पर हम बटन लगाएंगे। काज हम यहाँ बना चुके हैं, बटन वाली पट्टी बनानी है अब हमें, बटन पट्टी। देखिए धागा मैं कट कर दूंगी। फिनिशिंग कर देंगे थोड़ा सा इसकी, क्रोसिया से मैं इस धागे को बैक साइड पे ले जाके इस तरह से हाइड कर दूंगी। अब देखिए हम मैंने यहाँ पे ये पटन पट्टी बना ली है, ठीक है। अब सेम ऐसी ही पट्टी मुझे यहाँ पे बनानी है, उसके बाद इस तरह से हम इसमें बटन टक कर देंगे। तो मैं सेम ऐसी बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मैंने दोनों साइड से ये बना के इस क्या बोलते हैं पट्टी तैयार कर ली है। ये देखिए इस तरह से आप यहाँ पे ये कजन काज कर दिया है। आप इस तरह से यहाँ पे एक बटन लगाएंगे और उसके बाद फिर इसको इसमें फंसा देंगे, ठीक है, बच्चे के। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कितना इसका साइज सही रहेगा। तो अब देखिए इस तरह से ये हमारी कैप बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ही क्यूट सी और बहुत ही प्यारी सी। तो अगर आपने वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बताने का तरीका अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब आजकल बिल्कुल नहीं करते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी के साथ। और ये जो कैप है आराम से मेरे अंदाज़ से इतनी सॉफ्ट इतनी अच्छी बनी है कि 6 महीने तक के बच्चे को ये बहुत बहुत आराम से आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से ये हमारा राउंड बना है इसमें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।